खबर सासाराम के दरी गांव से है, जहां शराब की पार्टी करते हुए 6 मुखिया एक पैक सहित 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दरीगढ़ थाना क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन के बगल में एक निजी मकान में 6 मुखिया एक पैक्स अध्यक्ष सहित 24 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की तो सभी की जाँच की गई, जिसमें से 19 लोग शराब के नशे में पाए गए, जिनमें से 6 मुखिया में दरीगांव पंचायत के मुखिया राजू पासवान, चिनारी के हाटा पंचायत के मुखिया पारस पासवान, आलमपुर पंचायत के मुखिया विजय पासवान, विश्रामपुर के धर्मेंद्र सिंह, खुरनू पंचायत के मुन्ना सिंह तथा चिनारी के मुखिया राजवंश सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही सदोखर के पैक्स अध्यक्ष कृष्णा सिंह भी नशे में पाए गए। इसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाद में ASP अरविंद प्रताप सिंह ने सभी से पूछताछ की तथा अपने समक्ष सबका जाँच करवाया। बता दें कि प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी है और जिस तरह से पंचायत के मुखिया शराब पार्टी कर रहे हैं, ये शराबबंदी पर कई सवाल खड़े करते हैं। बताया जाता है कि शराब पार्टी में मुखिया गण के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं तथा कुछ कारतूस भी हैं। लिखी कि 20 से ऊपर लोग लगभग थाने के पास जो है यहाँ पर खाने और पीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें शराब पीना भी शामिल है। इस सूचना पर कार्रवाई की गई है। दरगाँव थाना अध्यक्ष, सासाराम नगर थाना अध्यक्ष और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। इन लोगों को चेक किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ इन लोगों के जो सांस में शराब का लेवल था वो चेक किया गया है और उस आधार पर जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर? कुल मिलाकर 18 लोगों का पॉजिटिव लगभग आया है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रमाइसिस के मालिक थे और यहाँ पर कुछ सीजर भी किया गया है, जिसके लिए इन लोगों ने देसी शराब कुछ कम मात्रा में मिली क्योंकि मैक्सिमम का कंजम्पशन कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। तो मिलाकर 19 लोगों पर कार्रवाई करने की हम लोग की योजना है। पिस्टल वगैरह बरामद हुआ है कहाँ? कुछ हथियार आया था लेकिन वो सब वेरीफाई कर लिया गया है, लाइसेंस ही है। और यहाँ पर कोई ऐसी हथियार के अलावा शराब जो चीज़ें भी मिली हैं, जिन लोगों की सांस में ब्रेथ एनालाइजर में इसका लेवल आया है उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल चेक कर लिए गए हैं, हथियार जो मिले हैं उनको चेक कर लिया गया है। जो चीज़ें लाइसेंसी हैं, जो चीज़ें विधिक हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो भी विधि विरुद्ध काम किया जा रहा है हम लोग सिर्फ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कि उसमें किस मुखिया की गिरफ्तारी की बात आ रही है? कुल मिलाकर इन 19 लोगों में से 6 लोग मुखिया हैं और एक पैक्स अध्यक्ष हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इन लोगों का अपना कुछ खाने और पीने का प्रोग्राम था लेकिन शराब का सेवन भी किया जा रहा था जो विधिक नहीं है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।